हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मित्रों ते यारों ते बेलियों, की हाल है तुहाडा सारिआं दा। मेरा नाम है मुहम्मद अहमद ते सुबह तुहानूं मैं टूर कराया सी। मॉर्निंग दा दिन चल रहा सी, सुबह दा मंजर सी, ते हुण मैं तुहानूं दिखा रहा कि शाम दा टाइम हो चुक्या। तकरीबन अद्धा कु घंटा दिन रह गया तकरीबन, ते मैं आया हुण फार्म ते। पहले वड्डे भाई सी इत्थे, उहनां दी दिन दी ड्यूटी सी ते अज नाइट दी ड्यूटी मेरी है। तो मेरी को थोड़ी जी तबीयत खराब सी, मैं क्या चलो दिन की तुसी दे, नाइट की मैं दे देंगा। हूँ आया तो मैं जैकी का खाना शाना लैके नाइट, अगर इन्हों खाना ना, वैसे तो चाहिए कि इन्हों शाम को खाना ना ही दिता जाए, क्यों फिर मतलब कि अपनी ड्यूटी अच्छी तरह देंगे ने। अगर इन्हों खाना पा दो तो फिर ज़्यादा इन्हों की कोशिश होंगी कि ये सौ के ही आपकी रात कटते हैं। तो जैकी का तुम सुबह मैं तर्फ करवाया सी, तो ऐसा गार्ड डॉग है जी, तुहानू की दसा मैं। हाले बच्चा है चार माह का, तो इंदा वस नहीं लगता कि यह बखी पै है हुणे ही। ऐ वेखो जी, ऐ जी जैकी, जैकी होए बंदा बन, जैकी ये ले, ये जी आ जैकी का खाना, खा ले, चल खा ले, चल खा ले, ये देखो खा ले खा ले खा ले। इतना वफादार जानवर है मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये है जी स्पैरो। वैसे मैं तो सोच रहा था कि इसका नाम स्पैरो रखता हूँ, लेकिन आपने रिकमेंड करना है कि इसका नाम मैं क्या रखूँ। ये है प्योर, वो जिसे कहते हैं वॉल्फ डॉग, बघियाड़ी कुत्ता है उनकी ब्रीड है। तो कमाल के डॉग हैं, अभी बच्चे हैं, अभी डॉग नहीं बने, तो बच्चे हैं छोटे अभी। तो मैंने कहा आपको विजिट करवा दूँ नाइट का भी। हाँ, ये था मेरा दूसरा व्लॉग। इंशाल्लाह कोशिश है कि कोई ना कोई मतलब कि वायरल हो मेरा व्लॉग और साडा भी कोई अर्निंग का जरिया बने जी। गाँव से रास्ता निकल रहा है बाहर हमारे फार्म की तरफ जो जा रहा है। प्योर देसी माहौल है, ये बच्चा लेके आ रहा है छत के, दो गार्डर लेके आ रहा है गधा गाड़ी पे। तो बड़ा मज़े का जी हमारा माहौल है। इंडिया से थोड़े किलोमीटर दूर है, 13-14 किलोमीटर। और ये देखें, ये शादी थी आज गांव में एक, तो टेंट शेंट लगे हुए हैं ना, कोई शादी वालों का सीन ना कोई बात। तो आवाम इजीली जहाँ दिल करता है फिर रही है। ये बंदा भिंडी तोड़ रहा है जो मैंने सुबह बताया था आपको, साथ बंदा बकरियाँ इधर चरा रहा है। ये देखें तो ये रास्ता जाता है जी मैं सीधा उधर फार्म की तरफ। तो जो बता रहा था ना मैं आपको, बिजली का सुबह के बिजली नहीं है, बिजली सिर्फ पहुंची हुई है यहीं तक। एक खंभा ये लगा हुआ है, एक वो सामने रूम की तरफ लगा हुआ है, मतलब उसके साथ ही लगा हुआ है। तो इससे आगे तकरीबन 4 एकड़ जगह है जहाँ, वहाँ पे बिजली पहुंची नहीं हुई हमारी उधर। हाँ, ये वाला लास्ट खंभा है।